ये ऐसे स्लाइड होके बाहर आ जाता है, हेवीनेस आप चेक कर सकते हैं। हमारा किचन ऑन व्हील्स है, इसके अंदर हम लोगों ने बर्नर्स दिए हैं, फ्रायर दिया है, तो इसमें हमने तीन तरह के बर्नर्स दिए हैं, एक दो तीन बर्नर्स है, एक फ्रायर है, एक बारबेक्यू ग्रिलर है। मेल भी करना तो बेसिकली कार्ट बेकरी है सर, कार्ट बेकरी, कार्ट पान शॉप, कार्ट टी स्टॉल, और घर की कोई लेडीज भी करना चाहती है तो उनके लिए भी सिक्योर है, आप अंदर जा सकते हैं कार्ट के। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, माय नेम इज शिवा। इस वक्त मैं आ गया हूँ ईवी एक्सपो 2023 प्रगति मैदान, और गाइस मैं एक ऐसे स्टॉल के पास आ चुका हूँ जिसका नाम है वी क्रिएट, जो बनाते हैं फूड कोर्ट। गाइस जैसा कि आप सबको बताया, हिंदुस्तान में खाने का कितना ज्यादा शौक है, अक्सर कोई भी फेस्टिवल होता है तो आप फूड कोर्ट पे सबसे ज्यादा भीड़ देखते हैं, राइट? वही मैं बिजनेस आपके पास लेकर आ चुका हूँ, फूड कोर्ट। आप खुद का बिजनेस खोल सकते हैं, खुद का एक रेस्टोरेंट चलता फिरता उस पर खोल सकते हैं। तो मेरे साथ है कंपनी के ओनर। हेलो सर। हेलो सर, कैसे हैं आप? वेरी गुड सर। सर छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए अपनी कंपनी का, अपने फूड कार्ट का। जी सर, हमारी कंपनी का नाम वी क्रिएट है। ओके, सर नाम ही अपने आप बता रहा है कि हम क्या करते हैं, वी क्रिएट। ओके, हम बनाते हैं, और हमारी टैगलाइन है यू थिंक वी क्रिएट। आप सोचिए आपका क्या आइडिया है और हम आपको उसको पॉसिबल करके देंगे। वेरी नाइस। प्लस हम लोग इस इंडस्ट्री में 2014 से हैं, सबसे पुराने हैं। हम लोग फूड कार्ट्स बनाते हैं, ई रिक्शा पे कार्ट्स बनाते हैं, फूड ट्रक्स बनाते हैं, कियोस्क बनाते हैं, हम लोग ट्रेलर्स बनाते हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट हो। और ये नहीं कि सिर्फ फूड से रिलेटेड हो, कोई इंसान मोबाइल एक्सेसरीज का काम करना चाहता है, कोई पान की दुकान लगाना चाहता है, कोई गारमेंट्स की शॉप करना चाहता है, क्लासरूम बनाना चाहता है, कोई भी आपका आइडिया। तो सबके लिए कार्ड बना के आप आगे आइडिया हमसे शेयर कीजिए और हम इसको इम्प्लीमेंट करके देंगे। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है, सारा टूर मैं आपको देने वाला हूँ, सर का नंबर भी प्रोवाइड कराऊंगा। जिसको भी फूड कार्ड अपना मॉडिफिकेशन कराना है तो आप सर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सर थोड़ा देख सकते हैं आपके फूड कार्ड? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले हम एक मॉडल की तरफ चलते हैं। ओके, तो हम लोग इस मॉडल की बात करें, ये हमारा एक मॉडल है जिसे हम कन्वीनियंस स्टोर कहते हैं, पान की दुकान, बेकरी शॉप, टी स्टॉल, कोई भी आदमी इसको, आप देख सकते हैं सामने पूरा डिस्प्ले दिया गया है, आप यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स डिस्प्ले कर सकते हैं। इसमें एक डिस्प्ले फ्रिज रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, आप इसमें पेस्ट्री वगैरह कुछ भी रखना चाहे, और बहुत सिक्योर है, कोई आपके घर की फीमेल भी करना चाहे। बेसिकली कार्ट बेकरी है सर, कार्ट बेकरी, कार्ट पान शॉप, कार्ट टी स्टॉल, और घर की कोई लेडीज भी करना चाहती है तो उनके लिए भी सिक्योर है, आप अंदर जा सकते हैं कार्ट के। तो मैं आराम से अंदर खड़े होके काम कर सकता हूँ। ये चलती फिरती मेरी एक दुकान है जिसको मैं सुबह कहीं लगाऊंगा और शाम को कहीं लगाऊंगा, और ऊपर आप देख सकते हैं प्रोमिनेंट ब्रांडिंग है, कहीं भी रोड पे हम खड़े हो तो आप देखिए कितना अच्छा व्यू आ रहा है। एंड बेस्ट पार्ट, इलेक्ट्रिक रिक्शा पे डिजाइंड है, इकोनॉमिकल है, शॉप का रेंटल नहीं देना हमें कुछ भी, तो काफी अच्छा प्रोडक्ट है। ऐसे ही हमने एक नया इनोवेशन किया है। आइए दूसरे मॉडल की तरफ चलते हैं। तो सर जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग है वो कहाँ से है? सर हमारी मैन्युफैक्चरिंग दिल्ली बेस्ड है, नांगलोई में, चंदर विहार में। हम लोग 2014 से इन सब चीजों को बना रहे हैं। तो सर आप पैन इंडिया देखते रहे? पैन इंडिया डिलीवरीज है हमारी, ऑलमोस्ट आपको इंडिया में 90% जितनी कार्ड्स दिखेंगी ऑलमोस्ट हमारी कंपनी के मिलेंगे। बिल्कुल, वेरी नाइस सर। आइए दूसरे मॉडल की तरफ चलते हैं। बताया गया है। तो ये हमारा एक सेकंड मॉडल है, ये बेसिकली वेजिटेबल एंड फ्रूट कार्ड्स है, वेजिटेबल, फ्रूट्स, ग्रोसरी, कुछ भी तरह का आप काम करना चाहते हैं तो ये उसके लिए है। एंड बेसिकली ये हम उन फार्मर्स को भी अट्रैक्ट करना चाहते हैं जो लोग अपनी डायरेक्ट फार्मिंग करते हैं, उनको मार्केट में डायरेक्ट नहीं पहुंच पा रहे, वो डायरेक्ट फार्मिंग करें, प्रोडक्ट यहाँ रखें, अपनी गाड़ी स्टार्ट करें और जहाँ मर्जी लेके जाएं। सो इसके अंदर अगर आप देखें पूरा स्टेनलेस स्टील एल्यूमिनियम का वर्क है, टोटली वाटर प्रूफ कार्ट है, आप गाड़ी को धो भी सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। इसमें हमने स्टील रैक्स दिए हैं, आप इस पर अपनी क्रेट्स वगैरह डिस्प्ले कर सकते हैं। ये बैक साइड में आप देखें तो बैक साइड में भी शेल्फ्स और रैक्स दिए गए हैं, इसमें आप अपनी सॉस बॉटल, ग्रोसरीज वगैरह शेयर कर सकते हैं। ये भी पूरा खुल जाता है, जगह ना होने के कारण हम लोगों ने बंद कर रखा है। Okay. काफी अच्छा डिस्प्ले, कलर कॉम्बिनेशन हम लोग सब अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं, जैसी भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है। Very nice. एक और मॉडल है मैं आपको दिखाता हूँ, दैट ऑल्सो सॉल्व्स द मोस्ट ऑफ द हमारा फूड इंडस्ट्री का पर्पस सॉल्व करता है। थर्ड मॉडल है, थर्ड मॉडल हमारा आप देख सकते हैं, ये एक हमारा किचन ऑन व्हील्स है, इसके अंदर हम लोगों ने बर्नर्स दिए हैं, फ्रायर दिया है, तो इसमें हमने तीन तरह के बर्नर्स दिए हैं, एक दो तीन बर्नर्स हैं, एक फ्रायर है, एक बारबेक्यू ग्रिलर है। तो अगर मेरा मन है कुछ मोमोज का काम करने का, मैं वेज का स्टीमर अलग रखूंगा, नॉन वेज स्टीमर अलग रखूंगा, फ्राई अलग करूंगा और तंदूरी मोमोज भी बना सकता हूँ। तो ये ऑल इन ऑल एक किचन ऑन व्हील्स पूरा कॉन्सेप्ट है,
इस टाइप की कस्टमाइजेशन, कोई अपने लिए साउथ इंडियन बनवाना चाहता है, कोई शॉर्मा का काम करना चाहता है, कोई इटालियन करना चाहता है, आप आके अपनी रिक्वायरमेंट शेयर कीजिए और हम उसको बना के देंगे। वही नहीं सर, तो सर मजबूती की बात करें तो ये फूड आपके जो कार्ड्स है कितने मजबूत होते हैं? सर मेरी कार्ड्स, मैं खुद से तारीफ क्या करूं, हमारा सिर्फ जो फैब्रिकेशन का वेट है दैट इज समवेयर अराउंड 600 kgs। मैं चाहूंगा आप एक बार अंदर की साइड आए, मैं आपको दिखाऊं कि आप इसको ही लिफ्ट करके देखें, आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करें कि ये कितना हैवी प्रोडक्ट है। ये एक छोटा सा पीस है जो स्लाइड इन स्लाइड आउट होता है। एक बार स्लाइड इन आप स्लाइड इन स्लाइड आउट में ये देखिए, ये ऐसे स्लाइड होके बाहर आ जाता है। हैवीनेस आप चेक कर सकते हैं, आई गारंटी यू दिस थिंग सिर्फ इतनी सी बारबेक्यू ग्रिल ही नियरली अबाउट 60-70 kg की होगी। तो आपके जो कार्ट के अंदर आप बारबेक्यू भी अटैच करके देते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, कंजेस्टेबल बारबेक्यू। बिल्कुल सर, आपके जो फूड कार्ट है काफी लग्जरी लगे, अच्छे लगे, फूड सड़कों पे भी चलेंगे तो काफी अच्छे लगेंगे दिखने में भी, राइट? देखिए सर मेरा समझिए, हम लोग बाहर से तो सुंदर बना ही रहे हैं, exactly. अंदर हम लोग सारी प्रैक्टिकल चीजें और मटेरियल का इसलिए ध्यान दे रहे हैं क्योंकि कमाई अंदर से आनी है। Exactly. तो मेरी गारंटी है, हमसे कोई भी फूड कार्ड लेता है तो 5-6 साल के लिए उसको कार्ड के अंदर ज्यादा टेंशन लगाने की जरूरत नहीं है। Okay. लो मेंटेनेंस और गाड़ी आपकी तैयार है। Nice. तो सर अगर कोई आपसे फूड कार्ड बनवाना चाहता है, मॉडिफिकेशन कराना चाहता है अपने ई रिक्शा पे, राइट जी, तो कितना रुपया उसका, कितने पैसे खर्चे हो जाते सर? ई रिक्शा अगर क्लाइंट के पास है वो अपना भी हमें रिक्शा ला के दे सकते हैं। बेसिक फैब्रिकेशन ई रिक्शा पे 1,25,000 से स्टार्ट हो जाता है अगर वो रिक्शा अपना खुद ला के, और अगर रिक्शा समेत उनको चाहिए तो हर स्टेट का रिक्शा का प्राइस वेरी करता है, बट ये भी गारंटी है हमारी जो उनके स्टेट में रिक्शा का प्राइस होगा उससे हम उनको डिस्काउंट पे रिक्शा। वेरी नाइस सर, सपोज ये वाला जो फूड कार्ड है इसमें अटैच आपका बारबेक्यू है, राइट राइट, तो ये कितने रुपए का पड़ेगा सर? इस कार्ड की फैब्रिकेशन की बात करूं जो अभी आप कॉन्सेप्ट देख रहे हैं ये 1,35,000 से 40,000 रुपए के बीच में है। Okay. और ई रिक्शा हर स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। वेरी नाइस सर, तो सर काफी लोग फूड कार्ड्स बना रहे हैं, फूड ट्रक बना रहे हैं, आपके फूड कार्ड्स में ऐसा क्या है जो आप लोग आपसे ही खरीदेंगे? सर देखिए काफी लोग काफी चीजें करते हैं बट जो पायनियर्स होते हैं जहां से स्टार्ट होता है बिजनेस, एग्जैक्टली, तो मैं कहता हूं एक बार आप आइए, आप खुद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस सामने देख सकते हैं, आपने भी काफी फूड ट्रक्स कवर किए हैं। मैं तो सिर्फ ये कहूंगा क्लाइंट एक बार हमारी फैक्ट्री आके विजिट करें, प्रोडक्ट को अपने आप देखें, उसको अपने आप डिफरेंस कंपैरिजन पता चल जाएगा कि लोग क्या कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। मैं किसी की भी बुराई नहीं करूंगा सर, सब लोग अपनी अपनी फील्ड में आए हैं। एग्जैक्टली सर, बट हम लोग जो स्ट्रेंथ लेके चल रहे हैं वो हमारी 100% उसमें आपको सिक्योरिटी मिलेगी। वेरी नाइस सर, तो सर अगर डिलीवरी की बात करें, अगर कोई आउट ऑफ दिल्ली से डिलीवर कराना चाहता है तो डिलीवरी आप कैसे करते हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए। ऑल ओवर इंडिया हम लोग मटेरियल भेज रहे हैं। ओके, हम लोग जम्मू कश्मीर भी मटेरियल भेज चुके हैं और कन्याकुमारी भी भेज चुके हैं। वेरी नाइस, तो कहीं से भी हमें कोई भी कॉन्टेक्ट कर सकता है और हम उनको डिलीवरी भी प्रोवाइड करें। क्या डिलीवरी चार्ज होता है सर आपका? डिपेंड करता है सर, पर किलोमीटर के हिसाब से आता है, वो हर स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। तो थैंक यू सो मच सर, वेलकम सर, काफी अच्छा लगा आपके फूड कार्ड्स के बारे में जानकर। थैंक यू, हर कोई अपना फूड कार्ड खोलना चाहता है आज के डेट में सर, कोई भी स्टार्टअप आइडिया, फूड कार्ड ही नहीं, आप कोई भी स्टार्टअप आइडिया लेके आए, हम तो कह रहे हैं सर यंग एंटरप्रेन्योर्स अपना बिजनेस करें, हमारे पास आए, हम जितनी हेल्प कर सकते हैं उतनी हेल्प करेंगे। सर अगर आपसे कोई जुड़ना चाहता है, फूड कार्ड बनवाना चाहता है, बिल्कुल, तो कैसे बनवाएगा? वुड यू लाइक टू शेयर योर कॉन्टैक्ट? मैं अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको शेयर कर देता हूँ, मैं नंबर रिपीट भी कर देता हूँ और फ्लैश भी कर देंगे। मेरा नंबर है 9811682474 एंड हम डिटेल्स फ्लैश भी कर देंगे, आप हमसे जुड़िए, व्हाट्सएप करिए, कॉल्स कई बार मिस हो सकते हैं मगर व्हाट्सएप पे आपको 100% रिप्लाई मिलेगा। Very nice sir, thank you so thank much you. Sir, for giving me valuable time. तो थैंक यू सो मच गाइज, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, नीचे रेड कलर का बटन होगा सब्सक्राइब का, बस आपको उस पर क्लिक करना है और साथ ही बेल आइकन भी बजाना है ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप तक आ सके। थैंक यू।